गुड मॉर्निंग बच्चों, 12th क्लास। शरीर क्रिया विज्ञान में आप दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, रक्त परिसंचरण कर। इसमें आपने रक्त के बारे में पढ़ा, रक्त का संगठन, रक्त के कार, रक्त की कणिकाओं के कार। उसके बाद हृदय की, रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग हृदय है। हृदय की बाहरी संरचना के बारे में आपने पढ़ा। हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है और इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई लगभग 9 सेंटीमीटर होती है। ये दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है। इसके बाद आप आज के वीडियो में हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। हृदय की आंतरिक संरचना में अगर लंबाई में काट कर देखें तो हृदय अंदर से खोखला अंग होता है। इसमें रक्त आता है और शुद्ध होने के लिए फेफड़े में जाता है, पुनः वापस आता है, पुनः अंगों में भेज दिया जाता है शुद्ध रक्त को। इस तरह से एक खोखला अंग है जिसमें रक्त बराबर प्रवाहित होता रहता है, निरंतर आता रहता है और शुद्ध होने के बाद पुनः अंगों में जाता है, फिर अशुद्ध रक्त आता है। इस तरह से इसमें निरंतर रक्त का संचरण होता रहता है। इसके लंबाई में अगर काट कर देखें तो मजबूत लंबवत पेशियों से ये दो भागों में बटा होता है, यानी दाहिना भाग और बायां भाग दो भागों में बटा होता है। अब ऐसे ही हम समझा रहे हैं आपको थोड़ा सा, यानी ये दो भागों में बटा होता है। यहाँ दाहिना भाग है ये और ये बायां भाग है, ठीक। इसके बाद पुनः ये बीच से दो भागों में बटा होता है जिसे अनिल और निलय कहते हैं। ये भाग है दाहिना अनिल और ये अशुद्ध रक्त आता है, ये निलय है। दाहिना निलय ऐसे समझाने के लिए चित्र इस तरह नहीं होता है, लेकिन हम आपको ऐसे ही समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। चित्र इसका कुछ बटा होता है, दाहिने और बाएं दो भाग में। पुनः बीच से ये फिर दो भागों में बढ़ जाता है, ऊपरी भाग अलिंद होता है और नीचे का भाग निलय कहलाता है। पहले रक्त दाहिने अलिंद में आता है, फिर दाहिने निलय में जब पंप करता है तो ये फेफड़े में जाता है। फेफड़े में किस नलिका से जाता है?
फुफ्फुस नलिकाओं से जाता है, जिसे कहते हैं जब ये अशुद्ध रक्त है तो अशुद्ध रक्त फुफ्फुस नलिका में जाएगा, तो फुफ्फुस नलिका में फुफ्फुस धमनी में कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त, और फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त। तो यहाँ से जब रक्त यहाँ जाता है ये, तो ये अशुद्ध रक्त होता है और फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में जाता है। सबसे पहले दो शाखाओं, निचली शाखाओं से और ऊपरी शाखाओं से, दोनों शाखाओं से निम्न महाशिरा और ऊर्ध्व महाशिरा शरीर के ऊपरी भाग से, निम्न महाशिरा शरीर के निचले भागों से रक्त ला करके दाहिने अलिंद में डालती है। दाहिने अलिंद में जब यहाँ संकुचन की क्रिया होती है, सिकुड़ता और फैलता है, जब यहाँ संकुचन की क्रिया होती है तो सारा रक्त इस मार्ग से ये त्रिपर्दी वाल कहलाता है, त्रिवलन वाल यानी त्रिवलन कपाट इसे कहते हैं जो दाहिने अलिंद में होता है, त्रिवलन कपाट कहते हैं जो बाएं अलिंद में होता है, अलिंद और मिलय के बीच ये कपाट पाए जाते हैं। तो जब इस कपाट से रक्त मिलय में आता है तो ये कपाट पे बंद हो जाता है, जब पंप करता है तो हृदय ये अलिंद से रक्त मिलय में आता है और मिलय जब पंप करता है तो ये बंद हो जाता है, ये कपाट पुनः बंद हो जाता है, क्योंकि रक्त ऊपर की तरफ निलय में नहीं जाता, निलय का रक्त अलिंद में नहीं जाता, अलिंद का रक्त निलय में आता है। तो जब यहाँ नहीं जाएगा अलिंद में तो यहाँ एक नलिका होती है जिसे कहते हैं फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त फेफड़े में शुद्ध होने के लिए जाता है, पुनः फेफड़े से शुद्ध होकर के फुफ्फुस सिराओं के द्वारा सिरा के द्वारा यहाँ आता है बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में फिर संकुचन की गति होती है तो रक्त इस मार्ग के द्वारा ये द्विवलन कपाट कहलाता है, इस कपाट के द्वारा कपाट खुल जाता है और रक्त इस अलिंद से बाएं अलिंद से बाएं निलय में आ जाता है, बाएं निलय में आ जाता है तो ये कपाट बंद हो जाता है, जब ये कपाट बंद हो जाएगा तो रक्त कहाँ जाएगा? जब ये पंप करेगा तो जब ये सिकुड़ता है तो रक्त को कहाँ डालता है? महाधमनी में, महाधमनी फिर आगे चलकर शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित होते हुए शरीर के विभिन्न अंगों में अलग अलग अंगों में रक्त को पहुंचाती है, लेकिन जब यहाँ से महाधमनी पहले निकलती है तो दो शाखाओं में बढ़ जाती है जो हृदय के दोनों भागों में रक्त को पहुंचाती है, क्योंकि हृदय को भी पोषण के लिए रक्त चाहिए होता है, हृदय में रक्त इतना है लेकिन उससे हृदय अपना पोषण नहीं कर सकता है, उसे अलग से रक्त की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ये महाधमनी जब बाएं निलय से महाधमनी निकलती है तो दो शाखाओं में बढ़ जाती है, पहली बाएं अलिंद में आती बाएं हृदय के भाग में और दूसरा दाहिने भाग में, दोनों को रक्त से पोषित करती है। इस तरह से रक्त से बराबर पोषित रहने से हृदय अपना कार्य करता रहता है। अगर इन धमनियों में जो हृदय धमनियां हैं इनमें अगर रक्त का संचार सही ढंग से नहीं होता है तो जीवन का अंत हो जाता है। अब आप रक्त नलिकाओं के बारे में समझ लीजिए, रक्त नलिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, धमनियां, केशिकाएं और सिराएं। धमनियां क्या है? धमनियों में शुद्ध रक्त रहता है, ये हृदय से रक्त को लेकर के पहले महाधमनी फिर महाधमनी शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पहुंचाते हुए ये धमनियां फिर केशिकाओं का रूप ले लेती हैं और केशिकाएं फिर सिराओं का रूप ले लेती हैं। तो धमनियां क्या है? धमनियां शरीर में शुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य करती हैं, ये शरीर में थोड़ा त्वचा में गहराई में पाई जाती हैं और इनमें शुद्ध रक्त, क्योंकि शुद्ध रक्त का रंग लाल होता है, ये ऑक्सीजन युक्त होता है इसलिए इसका रंग लाल होता है, धमनियों में ये रहता रहता है। धमनियों की दीवारें थोड़ा मोटी होती हैं और सिराओं की दीवारें पतली होती हैं। यही धमनियां
अनेक भागों में विभाजित होते हुए जब शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त पहुंचाएंगी तो फिर पतली पतली नलिकाओं का रूप ले लेती हैं और प्रत्येक कोशिका को ये केशिकाएं ही रक्त पहुंचाती है। प्रत्येक कोशिका या ऊतक में, क्योंकि ये इतनी महीन होती हैं, बाल से भी महीन होती है केशिकाएं, ये शरीर के सूक्ष्म भागों तक रक्त को पहुंचाती हैं। इनकी दीवारें बहुत ही पतली पतली झिल्ली सी होती हैं जिनसे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता रहता है। कोशिकाओं में जो व्यर्थ पदार्थ बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उनका, और कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व देने का कार्य केशिकाएं करती हैं, क्योंकि इनकी दीवारें बहुत ही महीन झिल्ली के रूप में होती है। तीसरी है सिराएं। सिराएं जब केशिकाएं अपना कार्य कर लेती हैं, जब शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्व और ऑक्सीजन युक्त रक्त दे लेती हैं, तो पुनः ये सिराएं केशिकाएं जो है सिराओं में बदल जाती है कुछ एक रूप में। फिर ये सिराएं पतली पतली महीन रहती हैं, लेकिन मिल करके एक मोटी सिरा का रूप ले लेती हैं, और मोटे होते होते उर्ध्व महासिरा यानी शरीर के ऊपरी अंगों से हृदय के दाहिने लिंग में रक्त आती है, और निम्न महासिरा मोटी होकर के शरीर के निचले अंगों से हृदय के दाहिने अलिंद में रक्त लाती। दोनों सिराएं हृदय के दाहिने अलिंद में ही रक्त लाएंगी, क्योंकि यहाँ से रक्त निलय में आएगा और निलय से फिर फेफड़े में शुद्ध होने के लिए जाएगा। फेफड़े में शुद्ध होने के लिए किससे जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा, क्योंकि ये अशुद्ध रक्त है, लेकिन फुफ्फुस धमनी को छोड़ करके शेष धमनियों में शुद्ध रक्त, फुफ्फुस सिरा को छोड़ करके शेष सिराओं में अशुद्ध रक्त बनता है। ठीक, तो यहाँ से दाहिने निलय से फेफड़े में जाएगा ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा, फिर वहाँ शुद्ध होकर हृदय के बाएं अलिंद में आता है फुफ्फुस सिराओं के द्वारा, सिरा के द्वारा, फिर बाएं निलय में आएगा, बाएं निलय से पंप करेगा जो बाएं निलय थे ये महाधमनी में ढकेल देगा, और महाधमनी फिर शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित होते हुए शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को पहुंचाएंगे। अब है मूल धमनी। मूल धमनी क्या है? जो हृदय के बाएं अलिंद से निकल करके मूल धमनी शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये मूल धमनी है, यानी ये मूल धमनी महाधमनी भी कहलाती है। मूल धमनी फिर शाखाओं में विभाजित होते हुए ऊपरी अंगों में, गर्दन में, सिर में यानी मस्तिष्क को रक्त पहुंचाती है, फिर निचले के अंगों में, दोनों बाहों में यानी शाखाओं में विभाजित होते हुए ये शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को पहुंचाती है। दूसरी है हृदय धमनी। हृदय धमनी आपको बताया कि जब मूल धमनी यहाँ से निकलती है, मूल धमनी या महाधमनी जब यहाँ से रक्त लेकर के निकलेगी तो ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाएगी और हृदय के दोनों भागों में रक्त को देती है, जिससे हृदय को पोषण प्राप्त होता है। निम्न और उच्च महासिराएं। निम्न और उच्च महासिराएं क्या है? ये शरीर के निचले, निम्न महासिरा शरीर के निचले भागों से अशुद्ध रक्त को लेकर के कहाँ आती है? हृदय के दाहिने अलिंद में। और उच्च महासिराएं शरीर के ऊपरी अंगों से, गर्दन से, पांव से, मस्तिष्क से, इन अंगों से ये अशुद्ध रक्त को लेकर के हृदय के दाहिने अलिंद में आती है। ये दो महासिराएं हैं, निम्न और उच्च महासिराएं। अब धमनी और सिरा में अंतर। धमनी और सिरा में क्या अंतर है? धमनियों की दीवारें थोड़ा मोटी होती हैं, पिचकती नहीं है। सिराओं की दीवारें पतली होती हैं, पिचकने वाली होती हैं। सिराएं गहराई में नहीं होती हैं और धमनियां त्वचा में गहराई में पाई रहती हैं। सिराएं ऊपर जैसे नस के रूप में नीली नीली दिखाई देती है, ये सिराएं हैं। सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। सिराएं शरीर से रक्त लेकर के हृदय में जाती हैं और धमनियां हृदय से रक्त लेकर के शरीर के अंगों तक जाती हैं। इस तरह से धमनी और सिरा में ये अंतर होता है। धमनियों में शुद्ध लाल रक्त बहता है ऑक्सीजन युक्त, और सिराओं में अशुद्ध रक्त रहता है इसलिए नीलापन लिए रहता है। हृदय के कार्य। हृदय क्या कार्य करता है? हृदय का मुख्य कार्य है शरीर के विभिन्न अंगों को पोषित करना अपने रक्त द्वारा।
तो हृदय क्या करता है, अशुद्ध रक्त को लेकर के फेफड़े में भेजता है, फेफड़े में शुद्ध होकर के रक्त पुनः हृदय में आता है और पुनः हृदय जो है वो रक्त को महाधमनी में प्रवाहित करके शरीर के विभिन्न अंगों को पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये इसका मुख्य कार्य है। आज के वीडियो में इतना, अगले वीडियो में हम फिर आपसे जुड़ेंगे।